हेलो देयर वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड सो माइंड टॉपिक इज लोकोमोशन एमएससी स्टूडेंट्स हो या फिर बीएससी स्टूडेंट्स हो सभी के अंदर लोकोमोशन या फिर मूवमेंट्स नाम से एक टॉपिक आता है जिसमें बेसिकली अमीबॉइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ फ्लैजुलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ एंड सीलियरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ ये मेन टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें इसमें देखने होते हैं देन सो ऑन इसमें इसी लोकोमोशन यूनिट में हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट इन सील देन हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट्स इन एनालिट्स इस तरह के क्वेश्चन भी आते और या फिर एक डरमेटा में हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करिए तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोकोमोशन टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड रहती है सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी बेसिक नॉलेज ऑफ लोकोमोशन देन वी विल बी स्टार्टिंग विद अमीबाइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ सो so स्टूडेंट्स होता क्या है अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसका नॉलेज बेसिक नॉलेज समझने की कोशिश करते हैं तो अगर हाँ, अगर हम हाँ हर तरह के एनिमल्स को देखते हैं हर एनिमल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो मूवमेंट शो करता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूवमेंट शो करता है या फिर लोकोमोशन शो करता है तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना इसको हम कह सकते हैं ये एक मूवमेंट है लेकिन ये मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट होता है इसी को हम कहते हैं लोकोमोशन अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट है या सारे मूवमेंट लोकोमोशन है या नहीं ये क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपको पहले एक बेसिक सा डिफरेंस यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मूवमेंट और एक लोकोमोशन सो देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ दी टर्मिनोलॉजीज दैट इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन अब क्या होता है मूवमेंट का ये मीनिंग होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेम प्लेस के ऊपर भी रहकर अपनी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस ला रहा है जो कि नॉर्मल उसके वहीं के वहीं नहीं हो रहे यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा लेकिन वहीं खड़े हुए उसमें वो चेंजेस ला रहा है कुछ चीजों को मूव कर रहा है तो उसको कहते है मूवमेंट्स वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं लोकोमोशन की तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना लोकोमोशन होता है ये तो बेसिक सी बात हो गई एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर आप आपकी बात करते हैं एक अपना एग्जाम्पल रहें तो मान लीजिए हम लोग एक चेयर के ऊपर बैठे हैं चेयर के ऊपर हम लोग हमारी आईज को ब्लिंक कर रहे हैं हम हमारे हैंड्स को मूव कर रहे हैं तो ये वाली सारी चीजों को जैसे कि आई की ब्लिंकिंग हैंड्स के मूवमेंट ये वाली जो चीजें है इसमें हम कह सकते हैं ये लोकोमोशन नहीं है क्योंकि यहां पर हम एक ही सेम स्पॉट पर रहते हुए इन चीजों को कर रहे हैं वहीं अगर मैं बात करूं कि आप आपके घर से स्कूल तक जाते हैं मान लीजिए हम लिखते हैं होम टू स्कूल होम टू स्कूल आप आपके घर से स्कूल तक गए तो ये वाली जो चीज होती है इसको कहते हैं लोकोमोशन क्योंकि आप आपकी प्लेस को यहां पर पूरा चेंज करें, पूरा कर रहे पूरा ऑर्गेनिज्म यहां से चलकर दूसरी जगह पर जा रहा है तो ये एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर सो so आप कह सकते हैं कि जितने भी मूवमेंट होते हैं जितने भी मूवमेंट्स है ये सभी वो लोकोमोशन नहीं होते लेकिन जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट्स होते हैं सो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन ये पॉइंट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही करी हूं। तो ये छोटी सी बात यहाँ पर हो जाती है अब इसके अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की क्योंकि जनरली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक होते हैं इनवर्टिब्रेड दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच हैव वर्टिब्रेड कॉलम तो अब ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं इनमें स्केलेटन होता है अब वो स्केलेटन क्या करता है मैं यहां पर नोट भी करती जाती हूँ ताकि हमारे नोट्स भी प्रॉपरली फॉर्म होते चले वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में क्या होता है स्केलेटन होता है ये स्केलेटन क्या करता है ये स्केलेटन वर्टिब्रेट्स को एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है मसल से जुड़ा हुआ होता है इससे क्या होता है जो पूरा ऑर्गेनिज्म है जब वो मूवमेंट शो करता है तो उसके लेग्स या फिर अगर कोई बर्ड्स है तो उसके विंग्स फिशेस है तो उसके फिन्स वो सभी चीजें भी मूव करती है तो स्केलेटन में बोन्स और मसल्स का कॉम्बिनेशन होता है और बोन्स और मसल्स के कॉम्बिनेशन की, की वजह से वहां पर होता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन एटसेट्रा ये बात यहां कंप्लीट होती है इसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं अब इन एनिमल्स में मसल्स तो होती है लेकिन उनमें स्केलेटन नहीं होता ऐसे भी एनिमल्स होते हैं अब वो एनिमल्स कौन से होते हैं जिनमें क्या बोला मैंने यहां पर तो मैंने बोन्स और मसल्स दोनों बताई मैंने कहा मसल्स तो होती है अच्छा वो वर्टिब्रेट नहीं होती ये दूसरी कैटेगरी बता रही हूँ मसल्स तो होती है लेकिन उनमें स्केलेटन जो होता है वो एबसेंट होता है इसके सामने हमने माइनस एंटी लिख दिया मसल्स होती है लेकिन स्केलेटन एब्सेंट होता है ऐसे एनिमल्स होते हैं आर्थफॉर्म्स एंड लीचेस ठीक है सो अर्थफ और लीचेस में मसल्स होती हैं लेकिन इनमें कोई स्केलेटन नहीं होता फिर भी वो ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट शो करते हैं तो ये ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कैसे शो करते हैं तो वो उनकी मसल्स की मदद से ही वहां पर मूवमेंट को शो करते हैं इसी तरह से एक और ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है जो थोड़ा और प्रिमेटिव होता है थोड़ा और पुराने तरह का होता है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें तो मसल्स भी नहीं होती तो स्केलेटन क्या होगा सो so, अब क्वेश्चन उठता है कि फिर वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं तो ऐसा कहा जाता है वेर देर इज लाइफ देर इज मूवमेंट जहां पर जिंदगी होगी वहां पर मूवमेंट भी होगा तो पहले तो नोट करते हैं हमने यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें तो मसल्स भी एबसेंट होती है स्केलेटन भी एबसेंट होता है कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिजम्स में दोनों चीजें नहीं है तो अब यहां पर क्वेश्चन उठता है देन हाउ विल दे डू दी मूवमेंट यहाँ पर वो मूवमेंट कैसे शो करेंगे तो यहां पर ये बात आती है कि जहां पर लाइफ होती, होती है जहां जिंदगी होती है वहां मूवमेंट भी होता है सो so, ये एक अनफेयर चीज हो जाएगी तो इसीलिए गॉड ने उनको प्रोटोप्लाज्म नाम की एक चीज दी है प्रोटोप्लाज्म जो होता है उनके सेल के अंदर होता है उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसी स्टेजेस आती है डेवलपमेंट की जैसे माइटोसिस आता है आपने सुना भी होगा तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो तरह के मूवमेंट शो करता है उसमें से एक होता है साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करना और दूसरा मूवमेंट होता है जो कि सराउंडिंग के बेसिस पर होते हैं और वो जो दूसरे मूवमेंट्स होते हैं उसी के अंदर चार तरह के मूवमेंट्स आ जाते हैं चलिए इसको लिखते हैं ताकि वहां कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो पहले लिखते हैं सो so, यहां पर हो क्या रहा है तीन टेगरीज मैंने आपको बताई एक होते हैं वर्टिब्रेट जिनमें स्केलेटन होता है सो बोन्स और मसल्स दोनों आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो वहां पर मूवमेंट शो करता है ऑन दी अदर हैंड हमने बात की ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म्स और लीचेज होते हैं जिनके अंदर मसल्स तो होती है लेकिन उनमें स्केलेटन एबसेट होता है तो वो लोग मसल्स की मदद से मूवमेंट शो कर लेते हैं देन फाइनली वी टॉकड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ना ही मसल्स होती है ना ही उनमें स्केलेटन होता है बोन्स वगैरह कुछ भी नहीं होती तो क्वेश्चन वहां पर अराइज करता है फिर वो मूवमेंट कैसे शो करते हैं तो इनमें ये ये हमने हमने बात की वाला पॉइंट तो कहा इज इज लाइफ मूवमेंट फिर हमने कहा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें दो तरह की कैटेगरीज वहां पर फॉर्म होती है पहली होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग दूसरी होती है एनिमल मूवमेंट रिलेटिव टू सराउंडिंग क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म में इनका प्रोटोप्लाज्म वर्क करता है प्रोटोप्लाज्म ये सारी बातें हम जो इतनी नीचे लिख रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में फाइन आगे समझते हैं अब क्या हो रहा है यहां पर दो मूवमेंट्स में पहला होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसमें क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है बीच में न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के आसपास क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म जैसी चीज होती है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं तो बाहर वाला तो साइटोप्लाज्म हो गया अब ये जो साइटोप्लाज्म है ये मूवमेंट शो करता है स्ट्रीमिंग शो करता है तो उससे क्या होता है जब साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर मूवमेंट शो करेगा तो उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है दूसरी तरफ बात करते हैं एनिमल जब मूवमेंट शो करता है वो भी रिलेटिव टू तो सराउंडिंग सराउंडिंग के हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करता है तो वो दूसरी कैटेगरी करे, करे, यहां पर बनती है और इस तरह का मूवमेंट जो कि सराउंडिंग को लेकर रिलेटिव होता है वो फोर तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं उनके नेम्स हम एक एक करके यहां नोट करते हैं पहला होता है अमीबॉइड मूवमेंट अमीबॉइड मूवमेंट दूसरा होता है सीलियरी उसके बाद मस्क्यूलर मस्क्यूलर मूवमेंट आर, आ, और कहना चाहिए अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग जिस मूवमेंट की स्पेशली आज बात करने वाले हैं वो होगा अमीबॉय मूवमेंट तो ये तीन मूवमेंट्स के नाम जस्ट मैंने यहां लिख दिए फॉर एन काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी चीज कहने के लिए हमने यहां पर इसको लिखा है लेकिन हम लोग अभी अमीबॉयड की तरफ ही जाएंगे थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में भी रहेगा तो उसको हम एक अलग ही वीडियो सेगमेंट लेकर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को वहां पर एक्सप्लेन कर लेंगे तो जिन्हें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में इंटरेस्ट है स्टडी करना है वो उसके टॉपिक वाला वीडियो देख सकते हैं वैसे एक ही सीरीज में हम लोग इन सभी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज यहां पर अमीबॉइड मूवमेंट का लेते हैं देन हम लोग फाइनली जो थ्योरीज है अमीबॉइड मूवमेंट की उनके ऊपर यहां पर कंटिन्यू करेंगे अब जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है एक तरह का कैरेक्टर्स टेक होता है ऑर्डर सार्कोडीनिक सार्कोडीना का जो कि फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं आपको पता होगा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है उसके ऑर्डर होते हैं डिफरेंट सो फाइलम प्रोटोजोआ की बात कर रही हूं मैं प्रोटोजोआ उसमें भी मैं किसकी बात कर रही हूं ऑर्डर सार्कोडीना की ऑर्डर सार्कोडीना की फाइलम प्रोटोजोआ एंड ऑर्डर सार्कोडीना ये जो दोनों चीजें हैं ये जो बात कर, कहना चाह रही हूं मैं इसमें हमें अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है लेकिन ये जो आ, कहना चाहिए ऑर्डर सार्कोडीना होते हैं इस तरह का जो इनमें जो ऑर्डर देखने को मिल रहा है सॉरी एक सेकंड फाइन तो मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ पहले आपको ये दिखाना ज्यादा जरूरी है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक तरह का फाइलम है ये तो आपको क्लियरली पता होगा फाइलम्स के नेम सभी को पता होते हैं ऑर्डर का नेम पहले मैं यहाँ रिवाइज करवा देती हूँ सो so, ये ऐसे सार्कोडीना एक ऑर्डर होता है इसको मैंने यहाँ सॉरी क्लास लिखा था आप इसको क्लियरली लिखेंगे सो so, ये इस तरीके से कुछ रहता है सार्कोडीना राइजोपोडा फ्लेजिला वो अलग बन जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि सूडोपोडिया इनमें सार्कोडीना में देखने को मिलता है और उनमें अमीवर्ड मूवमेंट मिलता है तो आप बात करना शुरू करते हैं अब ये जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है ये सिर्फ और सिर्फ फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्डर सार्कोडीना में नहीं मिलता बल्कि कुछ ऐसे वॉन्ड्रिंग सेल्स होते हैं या अमीबोसाइट्स होते हैं मेटाजोआ के जिनके अंदर भी अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है तो आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सिर्फ क्या अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा जैसे ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा तो इसका आंसर है नो no. वो वॉन्ड्रिंग सेल्स में भी मिल जाता है वॉन्ड्रिंग सेल्स जिसको क्या कहा जाता है अमीबोसाइट्स कहा जाता है अमीबो साइट्स कहा जाता है फाइन और जो मेमल्स होते हैं मेमल्स की अगर हम बात करते हैं जैसे ह्यूमंस डॉग्स कैट्स तो जो मेमल्स होते हैं उनके अंदर जो व्हाइट सेल्स होते हैं वो भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं जिसको हम डब्ल्यू कहते हैं आपकी टीचर्स आपको पहले भी बताया होगा इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास में कि डब्ल्यू जो व्हाइट सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं तो अमीबॉइड से आप यहाँ कंफ्यूजन में ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा कि अमीबॉइड का मतलब है कि सिर्फ अमीबा में वो मूवमेंट मिलता है अमीबा का मूवमेंट इज इक्वल्स टू अमीबॉइड मूवमेंट ऐसा नहीं होता प्लीज माइंड माई वर्ड्स मैं यहां कहना चाह रही हूँ कि इन सभी के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलता है इतनी बात यहां आपको क्लियर होती है आगे की बात करते हैं इसके अलावा जो पिगमेंट सेल्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं उनको भी ऐसा माना जाता है कि वो भी इस तरह का मूवमेंट शो करते हैं पूरी तरह से एग्जेक्टली अमीबोड मूवमेंट तो नहीं लेकिन दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इस तरह का मूवमेंट शो करते हैं तो मैंने यहां पर एक एड और क्या कर दिया क्रोमेटोफोर्स क्रोमेटोफोर्स में भी ऐसा कहा जाता है कि इस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है सो so, यहां पर हम लोग स्टार्स बना देते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में ये बात क्लियर होती है इसके बाद जितने भी केसेस होते हैं जो प्रोग्रेशन के होते हैं वो सभी चीज जिनमें भी अम इवॉइड मूवमेंट होगा तो उन्हें कहीं ना कहीं एक सूडा सूडोपोडिया नाम की चीज होती है जिसका वहां पर रोल प्ले होता है जो किन मूवमेंट को करवाने में हेल्प करता है तो होता क्या है कि जो आ, सेल होता है सेल वॉल जो होती है सेल के आसपास आपको पता है वॉल बनाता है वॉल होती है यहाँ पर तो इसकी जो सेल वॉल होती है ये क्या करती है किसी एक एरिया पे जाकर प्रोट्रियूजन शो करती है जैसे यहां से इसने प्रोट्रियूजन शो करा इसको कहते हैं प्रोट्रियड करना यानी कि एक पार्ट पे थोड़ी सी बल्जिंग शो करेगी तो यहां पर क्या होता है सेल वॉल थोड़ा सा प्रोट्रियूजन बनाती है और उस तरह से प्रोटोप्लाज्म जो होता है जो अंदर प्रोटोप्लाज्म था वो वहां पर फ्लो करने लगता है प्रोट्रियूजन की तरफ तो वो थोड़ा सा टाइट होता है वो वाला एरिया अब ये जो प्रोट्रियूजन होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चलते जाते हैं इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मूवमेंट शो करता है तो ये इस तरह के प्रोट्रूजन को क्या कहा जाता है सूडो पोडिया कहा जाता है सूडो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट फॉल्स फीट क्योंकि असली में ये उसके पैर तो नहीं है इस ऑर्गेनिज्म के उसने एक प्रोट्रूजन क्रिएट करा तो वो वैसे नजर आने लगे तो इसको कहते हैं सूडोपोडिया दैट इज दी फॉल्स फीट ये आपको बात समझ में आई होगी इसके बाद बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनमें पुशिंग आउट देखने को मिलती है सिंगल सूडोपोडियम की जो कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट को क्रिएट करता है जैसे कि अमीबा लाइमेक्स हो गया अमीबा वेल कैम्फिया हो गया इन सारी अमीबा के अंदर ये मूवमेंट जो होता है जो स्लग लाइक मूवमेंट होता है वो देखने को मिलता है तो स्लग लाइक मूवमेंट ठीक है और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस फिर अमीबा uh, प्रोटियस हो गई इनमें जो नंबर ऑफ सुडोपोटिया होता है वो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में बनता है तो मैं आपको बेसिकली बताना क्या चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी अमीबा होगी या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स uh, होगी जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये प्रोटीजन बनेगा अलग अलग डायरेक्शन में नहीं बनेगा लेकिन कुछ ऐसी अमीबा हो सकती हो सकती है जिसके अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे बन जाएंगे और सभी में अलग अलग मूवमेंट शो करेंगे तो किसी में एक ही तरफ मूवमेंट हो रहा है और किसी में बहुत सारी तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसका डिफरेंस आपको याद रखना है जो एक ही डायरेक्शन वाला मैंने आपको बताया उसमें आप कौन सा एग्जाम्पल याद रखेंगे अमीबा लाइमेक्स का अमीबा लाइमेक्स का ये है सिंगल डायरेक्शन के लिए सॉरी एक्स लगाना है यहाँ पर ये सिंगल डायरेक्शन के लिए वन के लिए और अमीबा वेल कैंफिया भी लिखी लेते हैं थोड़ा सा बड़ा वर्ड है हालांकि वेल कैंफिया ठीक है सिंगल डायरेक्शन के लिए वहीं मल्टीपल डायरेक्शंस के लिए तो मल्टीपल को मैं एम करके रिप्रेजेंट कर देती हूं अगर मल्टीपल डायरेक्शन में उसके मूवमेंट हो रहे तो उस अमीबा के एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अमीबा प्रोटियस का अमीबा प्रोटियस और मैक्रोफेजेस uh, भी लिख सकते हैं एक एक्स्ट्रा लिख ही लेते हैं हम यहाँ पर मैक्रोफेजेस So, यहाँ पर मैं आपको थोड़े मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसको शो करना चाहूंगी जिससे कि आपके नोट्स भी प्रॉपर वे में यहाँ पर फॉर्म हो जाए मूवमेंट और प्रोग्रेशन थ्रू मीडियम उसको कहते हैं लोकोमोशन फिर उसके बाद थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं इसको मूवमेंट और प्रोग्रेशन थ्रू मीडियम उसको कहते हैं लोकोमोशन एनिमल्स चेंज देयर प्लेस फॉर फूड पार्टनर्स प्रोटेक्शन एंड सुटेबल इन्वायरमेंट क्वेश्चन कभी कभी ये भी उठता है कि आखिर ऑर्गेनिज्म ये लोकोमोशन शो क्यों कर रहे हैं तो ये बहुत बट ऑब्वियस तरह की बात है कभी उन्हें फूड चाहिए होता है समटाइम्स दे वॉन्ट देयर पार्टनर्स कभी उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होता है अपने प्रिटेटर्स से सुटेबल इन्वायरमेंट के लिए इन सारी चीजों के लिए ऑर्गेनिजम्स लोकोमोशन को शो करते हैं फिर उसके बाद और कभी कभी अलग अलग सिमलाय को देखते हुए भी लोकोमोशन शो करते हैं इट शोज रिफ्लेक्स लोकोमोशन ऑल्सो ऑटोमेटिक मूवमेंट फ्रॉम विद इन कभी कभी एक तरह का रिफ्लेक्स लोकोमोशन भी होता है या फिर ये ऑटोमेटिक मूवमेंट भी होता है जो अंदर से खुद से जो ऑर्गेनिज्म होता है वो शो करता है अब बताती है ये जो लोकोमोशन होता है उसके लिए ऑर्गेनल्स क्या क्या यूजफुल होते हैं सो so, लोकोमोटर ऑर्गेनल्स ये एक टॉपिक रहता है अलग से कभी कभी आपके टीचर्स इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए पार्ट विच लोकोमोशन जो कि मोटाइल होते हैं या फिर लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं सो so, ऐसे पार्ट्स जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं हम उनको लोकोमोटर ऑर्गेनल्स या फिर लोकोमोशन की हेल्प uh, करने वाली चीजें कह सकते हैं आप इनको नॉर्मल शब्दों में ये भी कह सकते हैं सो so, जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें होता है सूडोपोडिया कभी फ्लैजिला भी होता है सीलिया भी होता है फिर पेलिक्यूलर जो कॉन्टेक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इनमें होते हैं तो ये प्रोटोजोआ की चीज हो गई तो अब ये जो चीजें मैंने यहाँ नाम ये जो लोकोमोटर ऑर्गेनल्स बताया आपको प्रोटोजोआ के वो क्या करते हैं हेल्प्स इन फूड कैप्चर फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं जब ये कंबाइन कर दिए जाएंगे विथ इंटरनल कॉन्ट्रेक्टाइल ऑर्गेनल्स तो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे दीज ऑर्गेनल्स मे बी प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ एंड इवन इन, इन, इन मेटाजोआ प्रोटोजोआ के साथ साथ मेटाजोआ के अंदर भी ऑर्गेनल्स पाए जा सकते हैं उसके बाद मैनी प्रोटोजोआ कीप अ फ्लोट इन द लिक्विड मीडियम बाय डेवलपिंग सेवरल डिवाइसेज सचेज ऑयल ड्रॉप जैसे कि सीरेशियम प्रोजेक्टिंग प्रोसेस सीरेशियम हेलियोजोआ के अंदर या फिर गैस बबल्स कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि पानी में या फिर लिक्विड में फ्लोटिंग शो करते हैं और वो कैसे फ्लोटिंग शो करते हैं वो कुछ ऐसे डिवाइसेज अपने अंदर पैदा कर लेते हैं जिससे कि वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल लें अगर आप किसी ऑयल ड्रॉपलेट को पानी के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा वो ऑयल ड्रॉपलेट अंदर डूबेगा नहीं बल्कि ऊपर फ्लोट करने लगेगा तो ये जो सिचुएशन होती है उसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी पर ऊपर फ्लोटिंग शो करते हैं तो फ्लोटिंग क्यों शो करते हैं जैसे कि वो ऑयल ड्रॉप की तरह एक्ट करते हैं जिसमें जैसे सीरेशियम का एग्जाम्पल आता है कुछ प्रोजेक्टिंग प्रोसेस उनमें होती है जैसे कि सीरेशियम हेरियोज या फिर वो लोग गैस बबल्स बना लेते हैं इसीलिए भी वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं ये बात होती है लोकोमोटर ऑर्गेनल्स की अब बात आती है सूडोपोडिया की सूडोपोडिया की अगर मैं थोड़ी बहुत यहां पर बातें आपको क्लियर करूं तो ये एक तरह का मोटाइल ऑर्गन होता है या फिर टेम्प्ररी नेचर का एक्सट्रूडेड फॉर्म होता है बॉडी प्रोटोप्लाज्म का ऑफ अ नेकेड प्रोटोजोआ जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई पार्ट सेल वॉल का एक तरफ से प्रोट्रूजन शो करेगा बल्जिंग आउट शो करेगा एंड वहां पर वो जो नई चीज बन जाती है उसको हम सूडोपोडिया कहने लगते हैं एंड सूडो का मतलब ही क्या होता है फॉल्स तो यहां लिख भी लेते हैं फॉल्स और पोडिया का मतलब क्या होता है फीट सो ये होते ही फॉल्स फीट है असली के पैर नहीं है किसी ऑर्गेनिजम्स के बल्कि वो वहां पर फॉर्म होते हैं अब इसमें एग्जांपल्स सार्कोडीना मेस्टिकोफोरा स्पोरोजोआ का आ जाता है अब जो सूटो होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं अब बच्चों होता क्या है कि बचपन से हम लोग जब पढ़ते आते हैं तो हमारे टीचर्स हमें बस एक ही चीज बताते हैं टीचर्स का उसमें वो गलत नहीं कोर्सेज में भी वही चीज रहती है कि सूडोपोडिया ही बताना है लेकिन अगर हम लोग एडवांस क्लासेस की बात करें तो अब आता थी कि सूडोपोडिया के कुछ टाइप्स भी होते हैं तो उन टाइप्स के बारे में अब हमें जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है तो मैं आप आपको सूडोटाइप्स सूडोपोडिया के टाइप्स यहाँ पर बता देती हूँ पहला होता है लोबोपोडिया एक सेकेंड फाइन तो पहला होता है लोबोपोडिया के टाइप्स देख रहे हैं हम लोबोपोडिया रिलेटिवली ब्रॉड होता है फिंगर लाइक होता है लोब लाइक होता है ब्रांच सूडोपोडिया हो सकता है विथ राउंडेड टिप्स इसमें जो एक्टोप्लाज्म होता है और जो एंडोप्लाज्म होता है वो क्विकली फॉर्म होते हैं और क्विकली विड्रॉन भी हो जाते हैं ये कैरेक्टर होता है अमीबा का और फ्लैजेट्स का और का जिसमें आर से आ जाता है अमीबा प्रोटियस के अंदर सेवरल लोबोपोडिया फॉर्म होते हैं और अमीबा लाइमेक्स के अंदर जो पूरी बॉडी होती है वो एक ही सिंगल लोबोपोडियम बना के चलने लगती है अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था कि अगर सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है तो आप अमीबा लाइमेक्स का नाम याद रखेंगे और अगर मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है तो आप अमीबा प्रोटियस का नाम याद रखेंगे सो so जो अमीबा लाइमेक्स होता है वो सिंगल डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट करता है ये इस तरह का लोबोपोडिया बना के लोबोपोडिया का मैंने यहां पर डायग्राम भी बना रखा है ताकि आपको वो चीज और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए फाइन ये बात तो यहाँ क्लियर होती है आगे की बात करते हैं। दूसरा तरह का होता होता है, है, की बात करते हैं। ये है, पतला होता है थिन होता है, थ्रेड लाइक होता है पॉइंटेड एंड्स होते हैं रेटेटिंग फ्रॉम बॉडी इन ऑल डायरेक्शन बॉडी में से अगर निकलता है तो हर डायरेक्शन में मूव करने की शो करता है फॉर्मड बाय एक्टोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म से बनता है टेंड टू ब्रांच ब्रांचिंग शो कर सकता है बट सेल्डम एनस्टोमोस कनेक्टेड टूगेदर लेकिन कनेक्शन जो होता है वो बहुत कमी से शो करता है कनेक्शन जो होता है इसको एनस्टोमोस भी कहते हैं तो कनेक्शन बहुत कमी से शो करता है एग्जाम्पल युगलाइफा एटसेट्रा इसका डायग्राम आप यहां से देख सकते हो ये हो गया फिलोपोडिया उसके बाद बात आती है रेटिक्यूलो की ये भी अगेन किसकी बात कर रहे हैं हम सूडोपोडिया के टाइप्स के अंदर ही चल रहे हैं ना रेटिक्यूलोपोडिया क्या होता है इसका दूसरा नाम होता है राइजोपोडिया या फिर इनाइक्सोपोडिया ये डिफरेंट होता है फिलोपोडिया से अभी जस्ट आपने ऊपर फिलोपोडिया पढ़े उससे थोड़ा सा अलग होता है तो इसमें क्या होता है ब्रांचेस प्रेजेंट होती है लेकिन एनेस्टोमो होती है ब्रांचेस होंगी लेकिन अगेन एनेस्टोमो होगी यानी एने कनेक्शन शो नहीं करती कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो सकते हैं फूड कैप्चर में हेल्प करते हैं इनको एग्जाम्पल एल्फीडियम ये इसका एग्जाम्पल हो गया उसके बाद एक लास्ट तरह का आ जाता है एक्जोपोडिया जिसका दूसरा नाम होता है एक्टिनोपोडिया स्टिफ होता है स्पाइन लाइक होता है कड़क होता है और स्पाइन के जैसे कांटे होते हैं ना उसी तरह से होता है सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और फूड कैप्चर में हेल्प करता है लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन होना चाहिए अलग अलग तरह के सूडोपोडिया के अंदर वो पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू तो अकरेंस ऑफ सेवरल ट्रांजिशनल फॉर्म्स अब यहां पर मैंने डायग्राम्स बनाए आप भी चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं लोबोपोर्ड्स फिर यहां पर ये जो निकल रहे हैं रेटिकुलोपोडिया है ये बीच में फोरामिन है फिर दिधर वालों को देखोगे तो ये एक्जोपोडिया है स्पोरोडोक्स का एग्जाम्पल ये फिलोपोर्ड्स है तो ये कॉमनली मैंने यहां डायग्राम बनाए थे आप भी चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं फाइन अब अमीबा की अगर मैं बात करती हूं तो अमीबा में कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता लोकोमोशन का बल्कि वो सूरपोडिया से मूव करता है जिसको हम फॉल्स फीट कहते हैं या फूड लिखा है फूड भी चलेगा फॉल्स फीट विल बी अ बेटर वर्ड बट तो ये बात हो जाती है अमीबा के पास लोबोपोडिया होता है अब मैंने इतने तरह के सूरपोडिया बोले अमीबा के पास सूडोपोडिया तो होता ही है लेकिन कौन सा तरह का सूडोपोडिया होता है सो वो होता है लोबोपोडिया बात आपको क्लियर होती है दूसरी बात आती है अमीबॉयड मूवमेंट की जो अमीबा होता है वो मूविंग शो करता है अमीबॉयड मूवमेंट शो करता है इंटरनल कंटेंट उसका भी साथ साथ में मूव करेगा वो स्ट्रीमिंग भी शो कर सकता है एंडोप्लाज्म की जिसको हम साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह सकते हैं दूसरी बात आती है एक सेकेंड फिर उसके बाद दूसरी बात आती है अमीबॉइड मूवमेंट ऑल्सो तो टेक्स प्लेस इन अमीबोसाइट्स ऑफ स्पॉजेस एंड ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यू ऑफ ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट जो स्पॉन्जेस के अमीबोसाइट्स होते हैं उनमें भी अमीबॉइड मूवमेंट

चलिए अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसको थोड़ा फास्ट वे के अंदर ही समझते हुए फिर फाइनली थ्योरीज के ऊपर आ जाएंगे और मान लीजिए इस वीडियो सेगमेंट में थ्योरीज अगर नहीं कंप्लीट हो पाती तो आप नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट जस्ट इसके चेक करेंगे तो उसमें हम लोग थ्योरीज को फाइनली देख ही लेंगे क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बड़ा बन रहा है यहाँ पर अब जो कैरेक्टर्स होते हैं अमीबॉर्ड मूवमेंट के वो यहां पर एक तरह से मोनोपोडियल अमीबी के लिए मैं यहां पर समझाऊंगी तो आपको मैं जितनी भी चीजें यहां पर बताऊंगी वो किस हिसाब से बताऊंगी मोनोपोडियल अमीबी के बारे में मोनोपोडियल अमीबी के एग्जाम्पल लेते हुए आप ये समझ सकते हो तो अमीबी का एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग समझेंगे दूसरी बात ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है कि सेम मैकेनिज्म जो होते हैं वही ऑपरेट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिसमें बहुत सारे स्टूडोपोडियो होते हैं इसीलिए मैं आपको यहाँ पर मोनोपोडियल अमीबे का एग्जाम्पल लेते हुए समझा रही हूँ क्योंकि तो मैंने आपको दो तरह की जैसे अमीबा लाइमेक्स अमीबा प्रोटियस दो तरह की अमीबा बताई कि एक में तो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और एक में बहुत सारे डायरेक्शन में होता है लेकिन हम मोनोपोडियल अमीबी का एग्जाम्पल ले रहे हैं यानी एक डायरेक्शन वाले अमीबी का अमीबा लाइमिक्स का एग्जाम्पल लेते हुए समझ रहे हैं सबसे पहली चीज होती है एक होती है चीज प्लाज्मा लेमा अब यहां से कैरेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा लेमा इसको समझिए प्लाज्मा लेमा एक तरह की आउटर कवरिंग होती है सेल की जो की ऐसा दिखाई देता है कि उसके अंदर बहुत सारी एडेसिव प्रॉपर्टीज होती है एडहेशन ना कि कि किसी चीज को पेस्ट करना तो जो प्लाज्मा लेमा होती है इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है एडेशन वाली एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टीज और ये प्लाज्मा लेमा क्या होती है सेल वॉल की आउटर कवरिंग है आउटर कवरिंग ठीक है सेल सेल की सेल वॉल बोल रही हूं मैं आई एम सॉरी सेल के आउटर कवरिंग को हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है कि इसमें एडहेशन शो करती है इसका मतलब कोई भी सबस्ट्रेटम होगा कोई भी सबस्ट्रेट होगा उस पर जाकर ये स्टिक करेगी तो ये एक रिक्वायरमेंट भी है कि अगर कहीं ना कहीं अमीबॉइड मूवमेंट होना है तो वहां प्लाज्मा लेमा कैसी होना चाहिए एडेसिव होना चाहिए एडेशन वाली होना चाहिए तो ये एक तरह की रिक्वायरमेंट भी है अब क्या होता है कि जो प्लाज्मा लेमा होती है सबस्ट्रेटम का मतलब आप आई होप समझ में आता होगा आपको जैसे कोई भी पार्ट है जगह है तो उसको मैं सबस्ट्रेटम के नाम से रिप्रेजेंट कर ली सबस्ट्रेटम ठीक है so, सो सबस्ट्रेटम पे प्लाज्मा लेमा जो होती है वो क्या हो जाती है स्टिक कर जाती है अटैच हो जाती है है ना अब प्लाज्मा लेमा जो होता है इसकी नीचे अगर मैं बात करूं तो एक थिन लेयर होती है थिन क्लियर लेयर होती है जिसको कहते हैं हाइलीन एक्टोप्लाज्म जो कि अपेरेंटली कंटिन्यूस होती है जो कि ज्यादा थिकर क्लियर लेयर होती है या फिर उसको कभी कभी हाइलीन कैप भी कहा जाता है इन दी फ्रंट एंड ऑफ दी एनिमल ठीक है तो अब मैं यहाँ आप पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ उसको आप एक एक करके समझेंगे एक लेयर तो हो गई प्लाज्मा लेमा इसको मैं पीएल लिख देती हूँ इस प्लाज्मा लेमा के नीचे एक थोड़ी सी थिन तरह की हाँ थिन तरह की क्लियर लेयर होती थिन क्लियर लेयर होती है इसके नीचे उसको कहते हैं हाइलीन एक्टोप्लाज्म हाइलीन एक्टो प्लाज्म ये कहते हैं इसको उसके बाद इस हाइलीन एक्टोप्लाज्म की बात करें तो उसके साथ साथ एक और अपेरेंटली ऐसी दिखती है क्लियर और इसके साथ साथ चल रही है थोड़ी सी क्लियर तो है लेकिन थोड़ी सी थिकर है तो ये वाली लेयर के साथ साथ एक और लेयर चलती हुई दिखती है जो थोड़ी सी थिकर होती है लेकिन क्लियर भी होती है ये जो अपेरेंटली थिकर वाली है ये वाली तो मैंने बता दी हाईलीन है ये वाले नंबर पर ये जो है ये तो हाईलीन है इसके नीचे जो एक और चल रही है क्लियर क्लियर उसको कहते हैं हाँ, हाईलीन कैप हाईलीन कैप हाइलीन कैप जो होती है वो फ्रंट एंड ऑफ द एनिमल पे ज्यादा नजर आती है दूसरी बात जो रिमाइंडर होता है अब साइटोप्लाज्म का जो जैसे ये सारी चीजें तो हो गई इसके अलावा जो चीजें साइटोप्लाज्म में बच जाती है वो क्या होती है उसमें से एक होता है आउटर एक्टोप्लाज्म तो अब इसके अलावा और क्या चीजें होती है सेल के अंदर यहां लिखते हैं इसको आउटर एक्टोप्लाज्म एक्टो और दूसरा होता है इनर एंडोप्लाज्म एंडोप्लाज्म वैसे प्लाज्म कहा जाता है लेकिन हम लोग इसको ऐसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो चीजें क्लियरली हमारे माइंड में बैठ जाए ठीक है तो अब ये जो आउटर एक्टोप्लाज्म होता है ये पार्टली नॉन ग्रेन्यूलर होता है यानी कि इसमें थोड़े थोड़े जो कहना चाहिए ग्रेन्यूल्स होते हैं वो इतने ज्यादा शो नहीं होते लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इनर एंडोप्लाज्म की तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो अगर मैं बात करूंगी तो यहां पर बहुत सारे ग्रेन्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं यहां ग्रेन्यूल्स होते हैं ग्रेन्यूल्स और यहां पर पार्टली पाए जाते हैं पार्टली क्या चीज ग्रेन्यूल्स ये बात क्लियर होती है इन दोनों पोर्स में ये वाला डिफरेंस है कि यहाँ पर ग्रेन्यूल्स थोड़े कम पाए जाएंगे ना के बराबर लेकिन इनर एंडोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं इसके अलावा जो एक्टोप्लाज्म होता है यानी कि जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसमें ऐसा देखा जाता है कि ये बार बार रप्चर करता है जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है जो एडवांसिंग सूडोपोडियम होता है वहां पर ये बार बार रप्चर करता है जिस वजह से जो एंडोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फ्लड कर जाते हैं इन दी हाईलिन कैप ये जो हाइलिन कैप बन रही है ना वहां पर यहाँ के निकल के वहां चले जाते हैं इस तरह का देखा जाता है जब मूवमेंट होता है तो ये चीज क्या क्लियरली इंडिकेट कर देती है कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि एक्टोप्लाज्म में हुए होंगे सुडोपोडियम के तभी जाके ये चीज हो रही होगी सो अंटिल रिसेंटली अभी तक अगर हम बात करें तो ऐसा बिलीव किया जाता था कि जो आउटर हाइलिन लेयर होती है बाहर वाली जो हाइलिन लेयर होती है यानी कि मैं इस लेयर की बात कर रही हूं बाहर वाली लेयर की तो ये जो आउटर हाइलिन लेयर होती है वो होती है जेल कंडीशन में ऐसा माना जाता है कि आउटर हाइलिन लेयर जो होगी हाइलिन लेयर वो होती है जेल कंडीशन में ठीक है बाहर वाली लेयर कैसी कंडीशन में कह रही हूं मैं जेल कंडीशन में और जो जेल कंडीशन होती है वो कैसी होती है रिलेटिवली विस्कस होती है अगर दूसरे पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म से हम कंपेयर करें तो फिर उसके अलावा जो पो, पोर्शन बचेगा वो कैसा हो जाएगा वो हो जाएगा सोल कंडीशन में ठीक है तो हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आउटर हाइलिन लेयर है वो जेल कंडीशन में होती है और रिलेटिवली विस्कस होती है विस्कस का मतलब आ समझ मारो थोड़ा सा कहना चाहिए गाढ़ापन जिसको कहते हैं तो आउटर हैल जेल कंडीशन में होती है दूसरा पोर्शन जो होता है इसके अलावा जितना भी बचा हुआ सेल के अंदर वो क्या होता है सोल कंडीशन में होता है और ये कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक ट्रू भी है कि जो जेल होता है वो थिकर होता है फ्रॉम द एंटीरियर एंड बैकवर्ड लेकिन रिसेंट स्टडीज ने हमें ये बताया कि ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता जितना कि हम समझ के आज तक मानते चल रहे थे क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स के अंदर जो कि सोल और जेल के बीच के स्टेट्स भी हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे गुड इविडेंसेस भी मिले जो कि सेंट्रल कोर बनते हैं एंडोप्लाज्म के कि वो बहुत ज्यादा जो ऐसा कहा जाता है अब ऐसा मनाया गया कि जो एंडोप्लाज्म होता है वो ज्यादा विस्कस होता है ये तो मैंने बाहर वाले का कहा लेकिन आप कहते हैं कि कुछ और, आजकल थ्योरीज कहती है कि नहीं अंदर वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा जेल जैसा होता है तो वो ज्यादा थिकर भी होता है ये बात भी कह सकते हैं हम लोग तो ये वाली बातें आजकल कही जा रही है तो सेंट्रल कोर की बात हो जाती है उसके अलावा कुछ ऐसे वेलोसिटी होती है फ्लो की जो कि फास्टर होती है टुवर्ड्स दी बेंड और जैसे पीछे की तरफ बात करेंगे तो स्पीड थोड़ी कम रहेगी तो ये कुछ दो तरह के ओपिनियंस चलते हैं सोल जेल के चेंजेस के ऊपर जो कि आजकल बहुत ज्यादा साइंटिस्ट के दिमाग पर छाए हुए हम कह सकते हैं और जो सूडोपोडियम होता है वो यहां पर मेन रोल प्ले करता है कि वो फॉरवर्ड मूवमेंट में शो करेगा ये तो बात बिल्कुल सही है और उसके अंदर लेस विस्कोसिटी होती है सोल आ जाता है कहीं ना कहीं उसमें तो सोल जेल बन जाता है कभी जेल सोल बन जाता है ये थ्योरी इस तरह से वर्क करती है तो ये कुछ कैरेक्टर्स हो जाते हैं यहां पर अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट की तो थ्योरीज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट जो हुई वो बहुत सारी थ्योरीज आई तो एक कंसिडरेबल वर्क के अगर हम लोग अलावा भी बात करें तो एक सेटिस्फेक्ट्री जो मैकेनिज्म आना चाहिए अमीबॉर्ड मूवमेंट का वो आज तक हमें अवेलेबल नहीं हो पाया है तो थ्योरीज तो बहुत है फिर भी एक सेटिस्फेक्शन वाली जो थ्योरी आ जाना चाहिए वो अभी तक कितनी क्लियरली नहीं आ पाई तो मोस्ट जनरली फिर भी मैं आपको बता दूं कभी कभी एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन कि मोस्ट जनरली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन इस सारे मैकेनिज्म का क्या है तो वो होती है रिवर्सिबल जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जेल सोल थ्योरी इसमें क्या होता है कि जो एंटीरियर एंड होता है वहां पर तो सोलेशन होता है उसके बाद वहां कॉन्ट्रेक्शन होता है कॉर्टिकल जेल का जो कि पोस्टीरियर एंड पे था और फिर वो सूडोपोडियम बनाने लगता है एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एलन नाइनटीन की बात है ये, ये सारी बातें अभी मैंने लिखने से अभी हाँ अगर आपको ऐसा लग रहा कि मैं ये नोट्स में से कुछ बता रही तो मैं नोट से नहीं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दू इन चीजों से फिर आगे पढ़ते हैं

फिर एलन जो थे 1960 में उनके को वर्कर्स भी आए उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि एक फॉरवर्ड फ्लो होता है सोल का जो कि ऐसे कहीं ना कहीं पुलिंग शो करता है मायोफिलामेंट्स की इस वजह से मूवमेंट होता है तो इस तरह की अलग अलग थ्योरीज आती जाती थी और फिर एक साइंटिस्ट आए रिनल्डी जैन करके उन्होंने एक थर्ड थ्योरी दे दी थी जिसको जेल एंडोप्लाजिम स्लाइडिंग थ्योरी कहा जाता है तो इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज आई तो हम लोग एक एक करके थ्योरीज पढ़ेंगे आपको यहां पर इतना कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना मैंने हर थ्योरीज को प्रॉपरली नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर नोट कराए तो हम ऐसे करके इनको समझते हुए चलेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है ना उस पर ज्यादा फोकस करेंगे बाकी थ्योरीज आप नोट्स के फॉर्म में बना सकते हैं पहली होती है कॉन्ट्रेक्शन थ्योरी डेलिंजर नाम के साइंटिस्ट थे 1906 की बात है उन्होंने कहा कि वॉकिंग लोकोमोशन होता है जो कि अमीबा प्रोटियस में उन्होंने स्टडी करा था उन्होंने कहा जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया उन्होंने सिंपल ये बोला कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है अब आपको सेल ऑर्गेनिज से सभी बताओ कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वैक्यूल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल होता है तो वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या बना लेता है सूडोपोडिया बना लेता है और

एक्शन थ्योरी जो कि डेलिंजर ने 1906 के अंदर दी थी ये थ्योरी खत्म होती है अब दूसरी थ्योरी सुनिए दूसरी थ्योरी थी सरफेस टेंशन थ्योरी जो कि एडवोकेट की गई थी बाय बर्थ 1886 एटीन एटी वर, सिक्स वर्वॉन्स फेर बुट्सली मेन नाम इनका है तो मैंने इन नामों पर फोकस नहीं करा आपको बुट्सली का नाम आप याद रख लेंगे 1894 की बात थी रमलर 1898 की बात थी तो उन्होंने क्या कहा जो अमीबाइड मूवमेंट होता है फ्लूइड ग्लोब्यूल क्या होता है प्रोटोप्लाज्म बिकम स्फेरिकल जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है अंदर का वो क्या हो जाता है स्फेरिकल हो जाता है गोल हो जाता है बट इन मेजोरिटी ऑफ अमीबा फॉर्म्स आउटर बॉडी इज डिजेट एंजिलिट लेकिन जो मेजोरिटी होती है अमीबा के फॉर्म्स की उसमें जो आउटर बॉडी होती है जेनिंग्स रहे थे उन्होंने कहा अमीबा वेर्यू कोसा के अंदर मैंने ये देखा है की अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने ये कहा कि जो अमीबा होती है वो अपने आपको रोल करती है कार्बन पार्टिकल इन अमीबा उन्होंने एक अमीबा के अंदर कार्बन पार्टिकल को दिखा जिसकी पोजिशन जो थी वो चेंज हो गई ड्यू टू अमीबा जैसे अमीबा ने चेंज करा तो पहले मान लीजिए कार्बन कार्बन पार्टिकल पार्टिकल इस पर था उन्होंने ऐसा कि यहां, कार्बन पार्टिकल है अमीबा में थोड़ी देर बाद देखा तो कार्बन पार्टिकल घूमकर इस तरफ आ गया तो उन्होंने कहा इसका मतलब अमीबा रोलिंग शो करती है वो गोल 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 गोल, गोल ऐसे घूमती है और आगे मूवमेंट शो करती है तो जेनिंग की थ्योरी ऐसी थी तो अगर मैं जेनिंग्स की पार्टिकल थ्योरी जो है अगर उसका डायग्राम भी आपको शो कर दूं तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने बोला ये रही अमीबा ये रहा कार्बन पार्टिकल थोड़ी देर बाद अमीबा का कार्बन पार्टिकल इधर चलकर आ गया थोड़ी देर बाद घूमकर और नीचे आ गया थी अमीबा घूम रही है ऐसा मैं समझना पूरी अमीबा है ऐसा नहीं मैं इसको शो करने की कोशिश कर रही हूं मूवमेंट्स में तो कार्बन पार्टिकल मूविंग शो करा ये सब था तो जेनिंग्स ने कहा जेनिंग्स में भी करेक्ट हमने ऐसा कहा कि जेनिंग्स जो है वो करेक्ट हो सकते हैं लेकिन ये थ्योरी सिर्फ अमीबा वेर्यू के लिए सही लग रही थी विच इज ऑलमोस्ट डिवाइड ऑफ सूडोपोडिया क्योंकि जो अमीबा वेर्यू होती है उसके अंदर सूडोपोडिया नाम की कोई चीज ही नहीं होती इसलिए उनकी ये वाली रोलिंग थ्योरी जो थी वो सही हो सकती बट इट नॉट अप्लाई टू हैव वेलोडिया लेकिन ये थ्योरी हम ऐसी में नहीं कर सकते जिनमें अच्छे से से वाले होते हैं। देखो बच्चों, अभी तक बचपन आपने ये जाना है कि सारी एक ही होती होगी और उसमें सब में सूडोपोडिया होता है ऐसा नहीं होता अमीबा की बहुत सारी स्पीशीज होती है सबके डायग्राम्स अलग तरह के होते हैं तो अब ये जो मैं अमीबा वेरी की बात करी इसमें देखो आप पूरी गोल गोल दी इसमें सूडोपोडिया नाम की चीज ही नहीं बने इसलिए कहा जाता है कि वेर्यू कोसा के लिए जेनिंग्स की थ्योरी वर्क करती है कि अमीबा रोलिंग मूवमेंट शो करती है और इसमें सूडोपोडिया बिल्कुल नहीं होते लेकिन ये वाली थ्योरी सूडोपोडिया वाली अमीबा के ऊपर वर्क नहीं करेगी इसके बाद आती है चेंजेस ऑफ विस्कोसिटी वाली थ्योरी या फिर सोल जेल थ्योरी जो कि अभी तक की बेस्ट थ्योरी है अब इसको समझते हैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं पहले फिर हम लोग इसकी डिटेल्स को देखते हैं ठीक है आप समझिए इसको आए थे 1917 में उन्होंने इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड करा पेंटिन आए थे उन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट करा इनका टाइम पीरियड ये रहा मास्ट आए थे उन्होंने भी सब थ्योरी को सपोर्ट करा तो पेंटिन एंड मास्ट ने तो सपोर्ट करा हाईमेन ने इस थ्योरी को फॉरवर्ड पुट करा ठीक है पुट फॉरवर्ड इट ऐसा कह सकते हो आप अब अमीबा में क्या होता है दो तरह के एक्टोप्लाज्म तो और एंडोप्लाज्म होते हैं ये आप जानते हैं एंडोप्लाज्म में प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल्ड दो तरह की चीजें हो सकती है जेल सोल भी याद रख सकते हो जेल का मतलब होता है जेली जैसी चीज सोल का मतलब होता है वाटर जैसी चीज प्लाज्मा सोल अकेला जो ये वाटर जैसी चीज है ये अकेला एक ऐसी चीज है जो कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है उसके बाद स्टेप्स को देखें, कैसे मूवमेंट होता उसको है उसको देखते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पहले होता क्या है जो सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा लेमा होती है आउटर कवरिंग सेल की उसको प्लाज्मा लेमा कहते हैं तो ये जो होती है ये क्या करती है सबसे पहले सब्सट्रेटम पर जाकर अटैच होता हो जाती है उसके बाद जो सेंट्रल प्लाज्मा सोल है यानी यही प्लाज्मा सोल बीच वाला जो सेंट्रल प्लाज्मा सोल होगा वो डायरेक्शन में किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट शो करने लगता है इसके बाद कुछ जगह से वो वीकर पॉइंट ऑफ प्लाज्मा जेल बनाने लगता है जिसकी वजह से सूडो जो होते हैं वो बनने लगते हैं यानी कि यहां पर होगा क्या प्लाज्मा जेल जो होगा वो प्लाज्मा सोल बना लेगा और प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल बना लेगा तो सबसे पहले होता क्या है जो प्लाज्मा जेल है वो क्या बना देता है प्लाज्मा सोल यानी कि अगर पोस्टीरियर एंड की बात करें जैसे ये अमीबा है तो ये इसका एंटीरियर एंड हो गया मान लो आगे वाला पोर्शन और पीछे वाला एंड हो गया पोस्टीरियर एंड तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है वहां पर सोलेशन देखने को मिलता है ज्यादा सोल इकट्ठा हो जाता है सोलेशन कौन सा एंड पर आता है पोस्टीरियर एंड पर फिर आगे क्या होता है उसके बाद दूसरी स्टेप होती है कि जो प्लाज्मा जेल होता है वो बना लेता है प्लाज्मा सोलियर तो हो ही गया था इसको कहते हैं सोलेशन अगर जेल जो है वो सोल बना देगा तो उस प्रोसेस को कहते हैं सोलेशन यानी कि कांस्टेंट फ्लो जो होता है प्लाज्मा सोल का वो मेंटेन किया जाता है अब जिलेशन जो होता है अगर देखिए अगर हम बात करें पोस्टीरियर एंड पर मैंने क्या कहा यहां पर मैंने कहा कि पोस्टीरियर एंड पर हो रहा है सोलेशन अगर पीछे के हिस्से पर सोलेशन हो रहा है तो फिर आगे के हिस्से में क्या हो रहा होगा पीछे तो सोलेशन है तो एंटीरियर पोर्शन में जिलेशन हो रहा होगा तो उसी चीज को हमने पॉइंट के फॉर्म में यहां पर लिख दिया कि देख देख सकते हैं हम लोग कि कांस्टेंट फ्लो हो रहा है प्लाज्मा सोल का वो मेंटेन हो रहा है इसका मतलब जिलेशन एंटीरियर एंड पर हो जाएगा इसके बाद होता है जो प्लाज्मा जेल होता है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है इस मूवमेंट की तरह तो वहां पर मूवमेंट होता है और जो प्लाज्मा सोल होता है वो प्लाज्मा जेल बना देता है तो जब प्लाज्मा सोल प्लाज्मा जेल बना देगा तो इसको कहते हैं जिलेशन प्लाज्मा जेल जो रहता है अब वो पोस्टिंग पर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और इसकी वजह से एक स्ट्रीमिंग वहां पर शुरू होती है अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है की जो स्पीड होती है अमीबॉइड लोको की वो वेराय कर सकती है जीरो से लेकर टू माइक्रो पर सेकेंड के बराबर तो ये स्पीड है अगर चाहो तो आप इसको भी नोट कर सकते हो तो ये बात यहाँ होगी अब स्ट्रीमिंग जो होती है प्रोटोप्लाज्म की वो विदाउट जिलेशन होती है जो कि प्लांट सेल्स में भी देखने को मिलती है इस डायग्राम को अगर हम देखें यहां पर तो कुछ इस तरह से रहता है ये यूरोइड कहा जाता है पीछे वाले पोर्शन को यहाँ सोलेशन है पीछे आगे जिलेशन है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या हो रहा है कि सोलेशन धीरे धीरे ऐसे ऐसे आगे बढ़ता हुआ यहाँ आ जाएगा और रिलेशन ऐसे करते करते पीछे चले जाएगा तो ये बीच में एंडोप्लाज्म है यहाँ एक्टोप्लाज्म है ये प्लाज्मा लेमा है ये हाइडीन कैप है अच्छा हाइडीन कैप यहां बन रही है फिर उसके बाद यहाँ डायरेक्शन मूवमेंट आगे की तरफ होगी तो इस तरह से अमीबा मूवमेंट शो करती है ये बात हो जाती है यहां पर सोल जेल थ्योरी की उसके बाद फिफ्थ थ्योरी है नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट हो रही है सोल जेल थ्योरी वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय गोल्डन एकर एक गोल्डन एकर नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने वही सोल जेल थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दे दिया तो उस थ्योरी को उन्होंने नया नाम दिया गोल्ड एकर्स थ्योरी एंड लॉर्ड्स थ्योरी या फिर मोलिकुलर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी तो गोल्ड एकर लॉर्ड एलिन रोजलैंड की उन्होंने इन, इन सभी साइंटिस्ट ने देखा कि जो एक्टोमायोसिन होता है और जो एटीपी सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा में उनको दिखाई दिए एक्टोमायोसिन और एटीपी सेंसिटिव प्रोटीन तो इन सभी साइंटिस्ट ने बोला कि जितने भी प्रोटीन्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए मेटाजोआ के अंदर और जो प्रोटीन मोलिकुलर मोलिक्यूल रहते हैं उनके अंदर स्ट्रेट चेंज होती है या फिर फोल्डेड चेंज होती है तो उन्होंने ये कहा कि जो सोल्ड स्टेट है प्रोटोप्लाज्म का जिसमें फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल्स देखने को मिल रही है और जो जेल स्टेट है उसमें अनफोल्डिंग ऑफ मोलिक्यूल्स देखने को मिलती है जो कि और ज्यादा रिजिड कोलोइड बना लेते हैं तो जब लोकोमोशन होता है होता है तो दो चीजें होती है, एक होती है फोल्डिंग और दूसरी होती है अनफोल्डिंग जब फोल्डिंग होगी तो वो पोस्टीरियर एंड में होगी प्लाज्मा जेल जो है वो प्लाज्मा सोल बना लेगा और अनफोल्डिंग जब होगी तो वो टिप की तरफ होगी प्लाज्मा सोल जो होगा वो प्लाज्मा जेल बना लेगा जो ज्यादा रिजेट हो जाएगा सो so, इन सारी चीजों के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी दे देगा और जो मोलिकुलर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए वो भी एटीपी एटीपीसी भी आ जाएगी मेटाजोवा के अंदर तो so, ये एग्जाम्पल uh, था ये यूरोइड यहां लिखा है उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट आगे की तरफ शो कर रहे हैं इस तरह से साइड साइड में मूवमेंट हो रहा है जिलेशन फिर उसके बाद आगे वाले को प्लाज्मा जेल मूव

फिर उसके बाद बिफोर डूइंग द सेम इन पोस्टर एंड सो द लोकोमोशन अविवा इज नॉट अफेक्टेड बाय द स्क्वीजिंग फ्रॉम बिहाइंड फॉरवर्ड्स यानी कि एक तरह से स्क्वीजिंग आपने बचपन में बॉल देखी होगी जिसमें पानी भरा होता था उसको हम स्क्वीज करते थे तो यहां आगे की तरफ थोड़ी बल्जिंग हो जाती थी पीछे से स्क्वीज करते थे तो आगे की तरफ बल्जिंग हो जाती थी तो इस, इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि एक स्क्वीजिंग होगी पीछे की तरफ जिसकी वजह से मूवमेंट अमीबा का आगे की तरफ हो जाएगा तो so बिहाइंड में स्क्वीजिंग होती है जिससे वो फॉरवर्ड्स की तरफ मूवमेंट शो करती है और इस थ्योरी ने ये कहा कि जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें लॉन्ग चेन्स ऑफ प्रोटीन्स होती है जो चेन होती है वो कॉन्ट्रेक्ट करती है एंटीरियर एंड की तरफ और जो प्लाज्मा सोल है वो प्लाज्मा जेल बना लेगा इस तरह से पूरी थ्योरी चलती हुई जाएगी तो ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी थी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी नोट्स आपके सामने यहां पर शो कर देते हैं तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसके बाद कुछ और थ्योरीज आई जैसे रियर कॉन्ट्रेक्शन एंड हाइड्रोलिक थ्योरी रेनाल्डी और जॉन ने दी थी तो इतनी ज्यादा इन थ्योरी के इंपॉर्टेंस नहीं है फिर भी अगर आप चाहो तो इन थ्योरी के नोट्स यहां से नोट कर सकते हो स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स इन अमीबॉइड मूवमेंट पोलॉइड और इंटो ने दी थी इंटू ने तो ये सारी थ्योरी है फिर उसके बाद ये इसके नोट्स से प्रॉपरली एक्टिन और मायोसिन इंटरक्शन थ्योरी आई हक्सले ने दी थी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ अमीबा फ्लो आई तो इसके बाद आगे फिर तो आई सरफेस टेंशन थ्योरी लास्टली जो वर्थॉल बर्चली और रमला रं, ने दी थी तो ये सारी थ्योरीज हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है सो so, यहां पर हमारा अमीबॉइड मूवमेंट इन प्रोटोजोआ वाला जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने सारी इम्पोर्टेंट थ्योरीज और जितने भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉलॉजीज uh, थे वो सारे कंप्लीट करें इसके बाद फ्लैजुलर मूवमेंट इन प्रोटोजोआ टॉपिक एंड सीडियरी मूवमेंट इन प्रोटोजोआ फिर हाइड्रोस्टेटिक मूवमेंट सीडेड ट्रेड एनालिट और इकाइनोडरमेटा um, में हमारे पास रह जाएगा तो फिर उसके बाद हमारा ये पूरा पोर्शन लोकोमोशन का कम्प्लीट हो जाएगा सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हैप्पी लर्निंग